Hello viewers, I am Amara, Thailand YouTuber from Pakistan. I make videos for cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlog and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. सिंध से वापसी हम लोग आ गए हैं जी घर में. देखें कैसे साफ़ सुथरा माहौल है. तो वकास ने तकरीबन घर को ठीक ही रखा हुआ है. तो रूम देखते हैं जाके. कंबल को तह लगा के यहाँ पे रखा हुआ है. ये देखें बेडशीट ठीक है बिल्कुल. यहाँ पे अपना वो जो काम करते हैं ऑनलाइन वो है, सिस्टम सारा रखा हुआ. तो ये सारा सिस्टम है. ये देखें मैंने वकास की पिक्चर्स रखी है सामने. तो वैसे मैं पर्स खाली किया था ना तो उसमें. तो ये हो गया है जी रूम. उसके बाद जी ड्राइंग रूम देखते हैं. बल्कि सबसे पहले ना ये छोटू छोटू वाला रूम देखते हैं. अच्छा ये भी साफ है, बस थोड़े से कपड़े वॉश करने वाले हैं. ये वकास ने उतार के यहाँ पे रखे हैं. उसके बाद जी ड्राइंग रूम में आ जाते हैं. वाओ ड्राइंग रूम भी तकरीबन साफ ही है. तो धूप देखिए कितनी प्यारी निकली हुई है. वकास घर नहीं थे ना जब हम आए हैं, तो वकास घर नहीं थे. तो फिर डैडी हमें मुल्तान से रिसीव किया है उन्होंने, क्योंकि हम ड्राइवर पे आए हैं सीधा मुल्तान ही उतरे हैं. तो ये है हो जाता है जी टेरेस. अब आ जाते हैं किचन में. किचन को मैंने अभी थोड़ा थोड़ा किया है, मैंने वो नाश्ता बनाया था ना तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको क्लीन किया है, अभी थोड़ा किया है. तो ये देखें बिस्किट वगैरह खाए होंगे, यहीं पे पड़े वो सारे हो गए. तो चलें कुछ सब्जियां वगैरह लेके रखी हुई हैं इन्होंने. ये टमाटर सब्ज़ मिर्चें, ये गाजर वगैरह जिसको आज मैं बनाऊँगी. तो अच्छा एक और चीज़ जो वकास ने इधर रखी है, ये खजूरें, भुने हुए चने. और ये वकास अपना जो ऑनलाइन काम करते हैं क्या क्या पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस. चले जी. तो उसके बाद अब हम लोगों ने खाना शाना नहीं खाया, ना ही मैंने घर में बनाया है. तो दोपहर का टाइम है अभी. तो आज वकास कह रहे हैं कि आप इतने दिनों बाद आई हैं तो हम चलते हैं कुछ खा के आते हैं. मैंने उनको इतना कहा है कि मेरा बिल्कुल कोई चिकन कोई बीफ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई दाल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ खाऊं. तो चले चलते हैं देखते हैं उधर जा क्या खाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बोले ना थोड़ा सा आज इतने दिनों बाद मिल रहे हैं. अच्छा मैं आपको सलाम कहा है मैंने तो व्यूवर्स. चले अच्छी बात है. यहाँ पे देखें जी मैं सिंध गई हुई थी, मिस्टर मेरे बगैर बहुत उदास और परेशान हो गए थे. मिस्टर हुए थे थोड़ा सा बस, क्योंकि वो भी अकेले खाना पड़ा था इसलिए, वरना वैसे तो मुझे याद नहीं किया होगा इन्होंने. देखे बात को बदल रहे हैं. अच्छा जी चिकन ही खाया है, बीफ चिकन यही चीज़ें खाते रहे हैं उधर. तो ये ना आज खाने को दिल किया मज़ेदार सी दाल. तो मिस्टर देखे प्लेट में शुरू हो चुके हैं, मतलब उनकी जो वो थी ये दिल पकड़े. तो इधर छोटे से एक रेस्टोरेंट है सिटी टॉप, हम लोग उधर आए हुए हैं. तो ये देखें सिटी टॉप. चलें वकास इसके अंदर नहीं, फिर साथ में रायता भी डालेंगे ना. ये पकड़े प्लेट पे. ये ले कास की फेवरेट दाल है, और मेरा भी आज दिल किया दाल खाने को इतने ही अरसे बाद. चलें जी स्टार्ट करते हैं. कि मैंने अपनी प्लेट रेडी कर ली है, तो अब मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा सालन है. कास मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त है. दाल तो वैसे ही इनकी फेवरेट है. खाना हम लोगों ने खा लिया है. तो मैं वकास को कह रही हूँ कि ये वाली जो लाइट है इसमें ना आंखें दर्द करने लग गई हैं. और आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, कैसे सलाद पे टूटे हुए हैं. और मैं भी खा रही हूँ. क्या कह रहे हैं आप, रोमांटिक लाइट चलाई हुई है.
पानी हमारा पीने को बिल्कुल दिल नहीं किया, वो वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, क्योंकि इतनी तो ठंड है पानी पीने को दिल भी नहीं करता, है ना मिस्टर? अब चाय पियेंगे हम घर जाके, पीनी है चाय? पीनी है वैसे? वही तो पूछ रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ी कह रही हूँ, यहाँ पे मुझे चाय नहीं पसंद, पता नहीं किस तरह, मुझे बस वो कश्मीरी चाय पसंद है। चलेंगे अब घर चलते हैं, उससे पहले मैंने पार्लर पे जाना है वकास, मैंने ना अच्छा सा फेशियल लेना है, अच्छा सा, काफ़ी देरी हो गई है। ये देखें कॉली पकड़ के ये पी रहे हैं रायता, इनका इतना पसंद है ना रायता सलाद एंड पे इस तरह खाना भी, ये अपने भी ख़त्म किया और मेरा भी। वैसे दाल सच्ची में बड़ी मज़े की थी, हमने किसी होटल से पहली दफ़ा दाल खाई है ना, वरना वैसे आप ले जाते हैं घर में नाश्ते वगैरह के लिए, लेकिन इधर बहुत मज़ा आया दाल खा के। उसके बाद जी ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, ये हम बेकरी से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो ये देखें जूस वगैरह और क्या कहते हैं ज़्यादा तो नहीं हो सकता, फ्रूट केक लिया है हमने, और स्टेशन पे बैठ के हम अपना नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है, वैसे मज़ा आया इधर बैठ के नाश्ता करने का, क्योंकि हम काश की ना पप्पू की डेथ हुई थी तीन दिन पहले और मैं सिन थी, फिर मैं जा नहीं सकी थी, इसलिए अब मैं और विकास जा रहे हैं उकाड़ा। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं हम उकाड़े, तो ये इधर फिर फातिमा ने चाय बनाई हमारे लिए। सर पे स्कार्फ लपेटा हुआ था और चेहरे पे झुर्रियाँ नुमाइयाँ थीं, लेकिन आंखें रोशन और चमकदार छोटी थीं। हंस के जवाब देते हुए वो आंखें तकरीबन बंद ही हो जाती थीं। उसके साथ उसका हाथ पकड़े हुए एक छोटा बच्चा था जो शायद उसका पोता था। वहाँ खड़े एंकर ने हाथ बढ़ाकर सोफे तक आने का इशारा किया और उस एंकर ने हाथ बढ़ाकर सोफे तक आने, जो मेरे दरमियान वाली नंद है ना फातिमा, वही वाली बेचारी पुप्पो की डेथ हुई है, मेरी वीडियो में पिछली में देखिएगा जाके, पुप्पो इधर आई थी मेरे पास, उन्होंने थोड़ी स्पॉटरी भी की है, मैंने वो भी शॉर्ट बीटा पे लगाई है महाराज किचन में, जाके देखिएगा। तो ये फातिमा ने अपना एक नावल लिख रही है, बड़ा ही ज़बरदस्त, उसने थोड़ा सा पढ़ के मुझे सुनाया, तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ, या वो खुद आप लोगों के साथ जब इधर आई तो शेयर करेंगी। तो ये देखें पुप्पो ने यहाँ पे सारी बेचारी ने अपनी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तो बस वो क्या कहते हैं कि लगाता कोई है, और मतलब जो फल किसी और के नसीब में होता है तो ऐसे ही है बिल्कुल, ये लहसुन ये सारा कुछ उन्होंने बोया इधर। तो ये आ जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग फातिमा, जो मतलब वकास के दरमियान वाली सिस्टर है ना, उनकी सासू माँ भी थी जो उनकी पुप्पो थी, और पुप्पा भी थी साथ में। ये देखें हमारी शादी का कार्ड यहाँ पे, ये वो 5 साल पहले की याद आ गई, जब कार्ड बनवाए तो वकास ने एक मेरे नाम का भी मुझे 36 में भेजा कहते हैं हाँ आएंगी मेरी शादी पे, मैंने भी मम्मा ने कहा मम्मा बताएं जाऊँ शादी पे कि ना ये है जी उकाड़ी का स्टेशन, कितना ज़बरदस्त है ना वकास ये वाला स्टेशन है। टाइम कितने बजे का है पूछे? टाइम क्या टाइम बताया इन्होंने? 2 बजे स्टेशन देखे तब तक, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है उकाड़ा का स्टेशन रेलवे, अच्छा वो जो साहिवाल का था वो भी ऐसा ही था, जहाँ पे ट्रेन रुकी थी मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा यूनिक है ना, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। रूम हाँ वैसे तो इधर इधर आए ना, इधर आए हमने अलामा इकबाल पे जाना है जहानिया वापसी, तो अभी उसका टाइम कितने बजे, 2 बजे कब बताया है? 2:30 आएगी। लो जी बैग बजते
ये क्रॉस क्यों निशान लगा रहे हैं? बंद है बाकी सारे। बाकी में जबरदस्त। अच्छा आगे आगे और कमरे भी मुझे लगता है नहीं है, दरवाजे हैं इनके बहुत देखे। हाँ जी जी आ जाए आ जाए। देखिए वो आगे तक इधर से न्यू बना है। बहुत जबरदस्त है कार का स्टेशन। हाँ ना खुला खुला हो। हवेली टाइप होते हैं इस तरह के घर है ना, के बाल सारे इधर से खराब हुए पड़े, सही कर ले। अच्छा जी ये देखिए, समझ नहीं आ रही किधर से कहाँ चले गए। और क्या सिर्फ एक कमरे में थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है, बाकी सारे कमरे खाली हैं। वो देखिए ऊपर, तो बाहर चलते हैं। बड़ा जबरदस्त स्टेशन है। क्या कहते हैं किस ट्रैक पे आनी है ट्रेन, ये नहीं पता आपको? बहुत जबरदस्त बनाया माशाल्लाह। अच्छा मुझे इस तरह तो बल्ब लग गया ऐसे बंद, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है कि ऊपर कितना जबरदस्त है ना। अच्छा सफाई वगैरह भी बहुत ही जबरदस्त है। हाँ जी ये देखें, मैंने आप लोगों को सारा टूर करवा दिया है उखाड़ा रेलवे स्टेशन का। अरे विकास कहाँ घूमोगे? इधर किस चीज़ का गेट है? बाहर निकलने के लिए होगा ना। बैठे किसी बेंच पे, वो आए देखें, आ जाओ उधर बैठते हैं आगे, वो आगे बेंच ज़ाया मत करें। यहाँ पे हम लोग जी बैठ चुके हैं बेंच पे, तो इनको कितनी मुश्किल होगी इतना सारा सामान ऊपर रखने की, है ना। एक डेढ़ मिनट भी नहीं रुकती ट्रेन, कितने देर रुकती है? एक मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रुकती। ये देखें तेजगाम इधर भी रुक गई है आके, रुक गई है और ये सामने भी रुक गई है। ओ एक उधर से चलें जी, तेजगाम को बाय बाय करते हैं और इनके लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह खैर करिए सब अच्छा। यहाँ भी जा रही है, ये है इसके कहाँ जा रही है, अब ये रूट क्या है? लाहौर। पे जी हमारी गाड़ी आ चुकी है अल्लामा इकबाल,
तो अब हम बैठते हैं, उठें जी, आ गई है। ये देखें जी, अल्लाह माई ग्वाल आ चुकी है, बड़ी स्लो स्लो आई है। हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और फिर बताइएगा हमें कौन लेने आया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल अमारस किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।